लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सभी के मन में एक पीस होती है कि 2012 में ऐसा हुआ, 2009 में ऐसा हुआ, तो ये पीस कभी आगे कभी ना हो, इसके लिए भी आप लोग बहुत चिंतित हैं। फैल रही है तो उसको तत्काल रोकने का प्रयास आप लोग अपने स्तर से करेंगे, उसको लाइव शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अन्याय भी है, अपराध भी है, इसको बहुत महत्वपूर्ण पूर्व से ही तैयारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और हम लोग पीस कमेटीज़ की बैठक कर रहे हैं, सभी समुदायों से मिल रहे हैं, सभी धर्मगुरुओं से हम लोगों ने बात करी है, मिले हैं, सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आएगा उसको हम लोग सर्वमान्य बनाएंगे और उसको तो बिल्कुल समरसता के साथ, समन्वय के साथ उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और इसमें सब लोगों ने, पूरे सभी धर्मगुरुओं ने, सभी लोगों ने, सभी सम्मानजनक लोगों ने इसे बहुत तत्परता से देखा है और बहुत सम्मानजनक तरीके से कहा है कि हम लोग बहुत समन्वय शांति बना के रखेंगे। अध्यक्ष अपन कमेटी कहेंगे, आज मीटिंग हुई है यहाँ पर, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए और आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है ताकि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा तो उससे शांति व्यवस्था बनी रहे। अमन कमेटी के तमाम लोग और अमन पसंद लोगों ने आज 10,000 अपील छपवाकर तमाम मस्जिदों के बाहर बांट रहे हैं, तमाम मंदिरों को बाहर बांट रहे हैं कि फैसला जो भी आए सभी धर्मों के लोगों को मानना है, मंजूर होना चाहिए, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। हम सबको यही रहना है, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहना है, तभी बरेली का विकास होगा, बरेली में शांति रहेगी। ठीक है, थैंक यू। वो आपको पता है कैसे बना रही है पूरे परफेक्ट सिंगल आइडिंग को दिक्कत होती है। अभी भी जानना चाहेंगे आज जो मीटिंग हुई है किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं और आप लोगों की तरफ से क्या एहतियात बरता जा रहा है, क्या प्रयास किया जा रहा है। बरेली जनपद में पीस कमेटी की मीटिंग प्रशासन द्वारा की गई, जिसमें समाज सेवी और शहर के सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। इसमें अलग अलग सुझाव भी आए, तो प्रशासन ने भी कुछ सुझाव दिए। प्रशासन के सुझावों को जनता तक पहुँचाया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, ताकि बरेली में शांति व्यवस्था बनी रहे। दूसरा, हमने डीएम साहब से भी पर्सनल बात करी है कि बरेली में अक्सर देखा होगा कि बरेली एक शांति प्रिय शहर है और हमारे शहर की कुछ लोगों ने बदनामी कर रखी है कि अति संवेदनशील बरेली, तो इस दाग को इस बार हमें मौका मिला है तो इस दाग को हमें धोना है, ताकि बरेली जो है शांति प्रिय था, शांति प्रिय रहेगा, मोहब्बत का शहर है, हमेशा मोहब्बत रहेगी। हमने डीएम साहब से भी अभी बात की, उन्होंने कहा है कि हम लोग बैठ के एक मीटिंग बनाते हैं, उसमें जो जगहें घोषित हुई हैं, जैसे 90 पॉइंट उन्होंने घोषित किए प्रशासन ने, तो 90 पॉइंटों पे हम नुक्कड़ समाएँ और उनको समझाएंगे और वो भी क्षेत्र जो है मोहब्बत, अमन और भाईचारे के नाम से पहचाने जाएंगे, ना कि अति संवेदनशील। देखा जाए पुलिस की तरफ से क्या तैयारी की गई है सर, क्या अस्थायी जेल भी बनाई गई है और अन्य जो अगर संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर डोर कैमरे वगैरह। देखिए, जो पूरी तैयारी है उसको एक तरह से हम दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का है, लोगों में विश्वास पैदा करने का। उसके हेतु आप देख रहे हैं विगत कई दिनों से कई स्तर पर मीटिंगें चल रही हैं, जहां पे सभी हमारे पीस कमेटी के सदस्यों की, हमारे पुलिस मित्रों की, हमारे डिजिटल वॉलेंटियर्स की, जितने भी धर्म से धर्मगुरु हैं इन सब के साथ जिला स्तर पर, थाना स्तर पर, उसके बाद चौकी स्तर पर, और अब विगत कुछ दिनों से हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो देहात क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में, विभिन्न मोहल्लों में जाके सभी से बात कर रहे हैं, सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है उसका सभी लोग सम्मान करेंगे। और ये भी है कि पूरे जनपद में सभी लोग इस बात से सहमत भी हैं कि जो भी निर्णय आना है उसका सम्मान करेंगे और किसी भी तरह का रिएक्शन इसमें ना हो। दूसरी चीज़, इसमें पुलिस प्रिपरेशंस भी और जो मजिस्ट्रेट्स की प्रिपरेशन है वो भी पुख्ता है। हमारे जोन्स और सेक्टर्स में पूरे जनपद को विभाजित किया गया है, उसमें सक्षम अधिकारी पुलिस और प्रशासन से लगे हैं। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, वीडियो कैमरे, इन सब से भी निगरानी की जा रही है। हमारे अभिसूचना तंत्र के भी हमारे सभी साथी इसमें लग रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरी व्यापक व्यवस्था है और सभी जो गणमान्य लोग हैं, पूरी जनता है, सभी का सहयोग लेके आने वाले त्यौहार और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उन सब में बेहतर शांति व्यवस्था स्थापित रहेगी।